चंद्रयान 3 का लैंडर और जो रोवर है अपना विक्रम और प्रज्ञान दोनों सोने चले गए, रात हो गई वहाँ पर उन्होंने काफी सारा साइंस आउटपुट दिया। आज हम उस साइंस आउटपुट को देखेंगे। ये वीडियो एक मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंटिंग वीडियो है मेरे खुद के लिए, तो ये ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में देख के गए थे, पर इस पर थोड़ा नया बात करते हैं कि चास्ट है जो हमारा मून ड्रिल या मून पेनिट्रेटर है, उसके रिजल्ट आए थे और ये काफी कूल थे कि कितना गर्म है सरफेस और कितना ठंडा है जस्ट 8 सेंटीमीटर्स बिलो। अभी जा सकते 10 सेंटीमीटर्स बिलो, पर शायद लैंडर के टिल्ट की वजह से भी वो पूरा नहीं जा पाया। अब वो चीज नहीं है, ये तो ग्राफ हमने डिस्कस किया है, बट उन्होंने इमेज रिलीज किया जो प्रज्ञान ने विक्रम का लिया है और उसमें बहुत खूबसूरत व्यू है चास्टे का। आप देख सकते हो चास्टे एकदम पुट है सॉइल में। इस इमेज में आप इल्सा भी देख सकते हो, इल्सा के बारे में आगे बात करेंगे, तो ये काफी कूल था। इसी बात पे हम आएंगे हॉप रिलेटेड। अब चंद्रयान 3 विक्रम ने एक हॉप परफॉर्म किया, ज्यादा ऊपर और साइडवर्ड्स नहीं, बस 40 सेंटीमीटर्स ऊपर या करीब एक फीट ऊपर गया वो, एक फीट से थोड़ा ज्यादा। अब ये काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये प्लान्ड नहीं था एंड काफी लोग कह रहे हैं, मैंने जब इस क्वेश्चन को पूछा था सोमनाथ सर को अपने इंटरव्यू में, उसके बाद उन्होंने ये पिक किया। आप ये क्वेश्चन सुन लो। अभी टू बी क्लियर, ये क्वेश्चन मैंने पूछा जरूर था, बट क्वेश्चन मेरा नहीं था, ये क्वेश्चन था टाइटेनियम SP5 का, जो काफी एक्टिव कम्युनिटी मेंबर है। I think it was Surveyor 6 which had performed a hop after landing. Considering you are carrying a lot of extra fuel this time, what is the fuel delta that will be left, and if the rover does not survive and the lander survives after a lunar night, is a hop, have you discussions or thoughts about it? See, that all depends on the health of the instruments on board. Suppose inertial system has to work perfectly and we have to load a new program to take off from there and land in some other place, it is a totally different guidance algorithm which is currently not on board. So we can take such views and load it and do it also. I am not overruling such possibility. It all depends on whether we have completed all our primary mission objectives. Even for the first one day or subsequent days also, it is on and working very well. So probably we can take such views. तो अब इसके वजह से हुआ कि नहीं हुआ क्या बता, बट हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? वीडियो काफी कूल था उनका। इस हॉप रिलेटेड या इस हॉप होने के बाद दो इमेजेस काफी इंटरेस्टिंग रिलीज हुआ है। एक तो था रैंप डिप्लॉयड का, कि ये हमें नहीं पता था कि ये जो रैंप है लैंडर का, उसे वापस फोल्ड भी किया जा सकता था। काफी लोग इंक्लूडिंग मी अजम्पशन में थे कि एक वन टाइम ऐसा डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म है, और यही नहीं, इवन चास्टे और रामबा के बारे में आगे है, चास्टे रामबा ये सब पेलोड्स इल्सा भी सबको रीडिप्लॉय किया गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हमने सब साइंस एक्सपेरिमेंट्स को अंदर लिया, हॉप किया, सब कुछ वापस खोला एंड रीडिप्लॉय किया। अभी इसके फायदे और नुकसान दोनों है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि अभी देखो इंजिन फायर किया, राइट? आपने रेगुलेट डिस्टर्ब किया नीचे का, तो चास्टे का शायद अभी डेटा बदले, पर वो तो लैंडिंग के टाइम भी हुआ होगा। आइडियली थर्मल प्रोब्स जो होते हैं चास्टे की तरह, वो रोवर पे होने चाहिए ताकि लैंडर के इंजिन के पार्ट से दूर जाके आप ये रीडिंग्स ले पाओ, बट देन हमारा मास बजट लिमिटेड था। बट दूसरा पॉजिटिव साइड भी है कि एक नया लोकेशन मिला, ऑल्सो ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप ये इमेज देखो जो उन्होंने शेयर किया, तो वो थोड़ा पीछे आया से लग रहा है, राइट? उसके मेन स्पॉट से वो थोड़ा पीछे आया से दिख रहा है, तो स्टिल एक नया लोकेशन है नया साइंस करने के लिए। अभी वो वापस हॉप कर सकता है कि नहीं, नो आइडिया। कितना फ्यूल बचा है, नो आइडिया। शायद अगर वो रीटारगेटिंग नहीं करता, आपको याद होगा लैंडिंग के टाइम रीटारगेटिंग हुई थी, तो उसने लोकेशन चेंज किया, पहला वाला उसे पसंद नहीं आया, तो शायद और फ्यूल बचता और बड़ा हॉप करने आता। बट अब देखते हैं, अगर होपफुली जिएंगे प्रज्ञान और विक्रम, 22 सितंबर को पता चलेगा, 22-23 को। काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि 14 डेज का टाइम होता है, राइट? तो इतने जल्दी इसरो ने क्यों बंद कर दिया? इसरो ने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले ही कि प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया है, तो काफी लोग का क्वेश्चन था कि ये क्यों इतना जल्दी। देखो पहले तो ऑल्दो 14 डेज है, बट याद रखो वो फर्स्ट और लास्ट डे जो होगा उसमें सन एंगल बहुत शैलो होगा, तो वो ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। तो पकड़ के चलो 11 से 12 दिन ही यूजफुल काइंड ऑफ होंगे साइंस करने के लिए, जहाँ पूरा पावर आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे लैंडर और रोवर पे। तो इसलिए मतलब वो हार्ड कट ऑफ तो नहीं है, राइट? वो स्लोली ग्रेडियंट की तरह हुआ। अगला फिर अनाउंसमेंट हुआ लिब्स का। लिब्स मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आने वाला था, बट आया नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला, बट नो प्रॉब्लम, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो लेजर है ये आपको पता चला, बट ये काम कैसे करता है एकदम बेसिक समझाता हूँ। आप लेजर किसी चीज पे फायर करोगे, वो गर्म होगा, राइट? वो गर्म होगा, देन आप लेजर बंद करोगे एंड देन वो कूल डाउन होने जाएगा, पर
कूल डाउन होते होते अलग अलग एलिमेंट्स जो है, जैसे इस केस में वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड टू एन एक्सटेंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के आसपास भी वो डिटेक्ट कर सकता है। ये सब क्या करेंगे, इनके अलग अलग लाइट होगा, मतलब जैसे वो कूल डाउन कर रहा है वो लाइट रिलीज करेगा, राइट। आपने कोई गर्म चीज को देखी होगी, ये लाइट का सिग्नेचर हर एटम का अलग होता है। फिर लिब्स इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिटेक्ट कर सकता है ये लाइट, और फिर आप एग्जैक्ट लाइट के वेवलेंथ के हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये ऑक्सीजन है, ये आयन है, ये मैग्नीशियम है, ये सोडियम है। बट अगेन लिब्स इतना भी सिंपल नहीं है, लिब्स में भी दो मोड है, एक है मल्टी शॉट कैप्चर और एक है सिंगल शॉट कैप्चर, नाम से पता चल गया होगा, बट उसका रीजन है। देखो सिंगल शॉट में वो जब लेजर फायर करेंगे तो सरफेस का उन्हें पता चलेगा कंपोजिशन, मल्टी शॉट में क्या होगा वो 10-20 ऐसा फायर करते जाएंगे क्विक सक्सेशन में, उससे क्या होगा फर्स्ट शॉट, फर्स्ट फ्यू शॉट्स के बाद आपका थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा और थोड़ा डस्ट बनने लगेगा ऊपर, उस सरफेस के ऊपर। फिर आप जब लेजर फायर कर रहे हो तो आप उस डस्ट में फायर कर रहे हो, तो आपको उस डस्ट का एनालिसिस भी करने मिलेगा। तो ये दोनों मोड्स है। लेजर बहुत ऐसा कोई पावरफुल नहीं है, 0.4 वॉट का ही लेजर है और पूरा इंस्ट्रूमेंट पीक पावर 10 वॉट्स ही यूज करता है, जो बहुत कम है। बट हाँ, अभी इंटरेस्टिंग इसलिए है लिब्स का रिजल्ट, बाय द वे ये जो ग्राफ है ये ग्राफ एक्चुअली काफी सिंपल है। नीचे वेवलेंथ दिख रहा है, राइट, अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग एटम्स का होगा रिस्पॉन्स उनका। ये जो रिस्पॉन्स AU है, जितना मुझे समझा है, ये आर्बिटरी यूनिट्स है, मतलब ऐसे कोई फिक्स्ड लूमेन वैल्यू नहीं है, ये रिलेटिवली कितना ब्राइट था उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट, जितना मुझे समझा है। तो इसने सल्फर कंफर्म किया सरफेस के ऊपर, और ये अगर आप देखो तो ये फर्स्ट इन सिटू मेजरमेंट है। इन सिटू मतलब इन सिचुएशन, मतलब वहां होके, उस जगह पे होके मेजर करना, राइट। अगर आप सैटेलाइट से ऊपर से मेजर करोगे तो उसे आप कहोगे रिमोट सेंसिंग, क्योंकि आप रिमोटली सेंस कर रहे हो, तो रिमोट सेंसिंग इन सिटू अपोजिट टर्म्स है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट इन सिटू मेजरमेंट ऑफ सल्फर। बट इवन और एक चीज वर्ल्ड फर्स्ट है, और वो है लिब्स का एग्जिस्टेंस ऑन मून ही। ये जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर है, फर्स्ट टाइम मून पे उड़ रहा है। इससे पहले नासा मार्स को फ्लाई कर चुका है इसे, बट ये फर्स्ट टाइम मून पे फ्लाई कर रहा है। इसलिए ये ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि अगर इसका आप एलिमेंट देखो, जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम आयन, ये सब जो दूसरा पेलोड है APXS, वो भी डिटेक्ट कर सकता है। APXS पे आते हैं, उससे पहले मैं एक चीज क्लियरिफाई करना चाहूंगा, ये ऑक्सीजन वगैरह जो उसने डिस्कवर किया है, लिटरल ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं है वो, मतलब आप वहां स्कूप डाल के सब सूंघ नहीं सकते ऑक्सीजन, यूजुअली बाइंडेड होते हैं, राइट, अलग अलग चीजों को। जैसे धरती पे जब रस्ट होता है, रस्ट क्या है, ऑक्सीडाइज्ड आयन, राइट, वैसे नॉट कि लिटरल ऑक्सीजन है वहां पे एंड आप सूंघोगे, वैसा नहीं है वो। तो वो हाइड्रोजन वगैरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी आते APXS के ऊपर। APXS भी सिमिलर ही, APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया मैंने। APXS भी सिमिलर ही एलिमेंट्स डिटेक्ट करता है लिब्स की तरह, बट लिब्स का शायद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसकी तरफ भी सेंसिटिविटी है। APXS के ऊपर कोई ग्राफ वगैरह नहीं दिया इसरो ने, इनफैक्ट एक वीडियो रिलीज किया जहां पे वो डिप्लॉय कर रहा है APXS नीचे, एंड उन्होंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा कि इसने भी सल्फर कंफर्म किया, एंड इसलिए APXS इंपॉर्टेंट है। APXS का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको बहुत लंबा ऑब्जर्वेशन पीरियड है, लाइक मल्टीपल आवर्स, लाइक 5-6 आवर्स उन्हें बस वहां ऑन करके ऑब्जर्व करना है, जिसकी वजह से ये बहुत स्लो इंस्ट्रूमेंट है। वर्सेस लिब्स, आप जस्ट लेजर फायर करो एंड फ्यू मिलीसेकंड्स टू सेकंड्स में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। पर लिब्स कभी चांद पे गया नहीं है, तो इंपॉर्टेंट था ये लिब्स और APXS का कॉम्बो साथ में जाना, ताकि लिब्स का परफॉर्मेंस वेरीफाई हो, प्लस APXS का तो होगा ही, APXS भी काइंड ऑफ फर्स्ट था अगर आप अल्फा पार्टिकल को पकड़ो तो। तो हाँ, लिब्स एक काफी गेम चेंजर होगा फ्यूचर मिशंस के लिए, क्योंकि आगे भी लेके जा सकते हैं बड़े स्केल के ऊपर। तो APXS भी हो गया। APXS के टाइम भी उन्होंने काफी सारे वीडियोस रिलीज किए थे, जैसे ये रोवर आगे घूम रहा है एंड देन इसरो ने कैप्शन डाला था लाइक अ मदर वॉचिंग अ चाइल्ड हैव फन, ऑल्दो द लैंडर्स नेम इज विक्रम, बट ओके फादर बोल सकते थे, बट ठीक है, भावना समझ में आ गई। यहाँ पे एक लोगों का क्वेश्चन जरूर था कि हॉप के टाइम क्या रोवर अंदर डाल दिए थे, हॉप के टाइम रोवर को लैंडर के अंदर डाल दिए, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। मेरे को एक ही चीज पूछना है आपसे, पॉइंट क्या है। पहले तो वो सब क्वेश्चन आता ही है कि ये मैकेनिज्म अंदर जा पाएगा या नहीं,
टॉर्क है कि इनफ वगैरह, बट वो छोड़ो, सपोज कैसे तो करके अंदर गया रोवर, पॉइंट क्या है रोवर को लैंडर के अंदर डालने का? कुछ लोग कह रहे थे कि गर्म रहेगा, कैसे गर्म रहेगा, एटमोसफेयर तो है नहीं चांद पे, और अनलेस आपके पास एक मीडियम ऑफ इंसुलेशन या मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है नहीं, तो आप कैसे गर्म रखोगे रोवर को? सेकेंडली, अंदर गया सपोज एंड अब बैटरी खत्म हो गई राइट उसकी, जैसे जैसे नाइट आ रही है, जब वापस सूरज ऊपर आएगा, अब सोलर पैनल आपका अंदर है, पूरा अंदर घुसा है, चार्ज कैसे होगा रोवर? कोई सेंस नहीं है उस डिस्कशन का, व्हाई नो रोवर इनसाइड वगैरह। अगला आता है रामबा एलपी, ये एक लैंगमेर प्रोब है जो विक्रम के राइट में लगे, आप देख सकते हो शेडो में वो ऐसा एक्सटेंड हुआ है। अभी मैं यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट होना चाहूंगा, मुझे ये एक्सपेरिमेंट ढंग से नहीं समझा, ऊपर का अगर समझा तो इट्स लाइक कितने आयोन से उसके ऊपर से उन्हें करंट मिलेगा उनके इंस्ट्रूमेंट में, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है बताया। देखो मेरा एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो मुझे एक या दो लेवल डीपर एक्सप्लेनेशन से पता होना चाहिए राइट, तभी थोड़ा कंफर्ट आता है एक्सप्लेन करते वक्त। बट अगर इस केस में मुझे एक या दो लेवल डीप नहीं बताया, मुझे ऊपर समझा बट वो गलत लग रहा है एक्सप्लेन करने, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा रामबा को एक्सप्लोर करने तो मैं होपफुली वापस आऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। फिलहाल के लिए रामबा अगर कोई एक्सप्लेन कर सके एकदम बेसिक लेवल पे देन प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लोग। लास्ट आती इल्सा के ऊपर, इल्सा के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, डेडिकेट काइंड ऑफ, वो चास्टे के वीडियो में है। इल्सा जो हमारा साइज्मोमीटर है, अभी रिजल्ट्स डिस्कस करने से पहले जब वो इमेज रिलीज हुआ विक्रम एस सीन बाय प्रज्ञान वाला, उसमें इल्सा टेढ़ा दिख रहा है राइट, वो ऐसा लग रहा है कि टेढ़ा है। इल्सा बाय द वे रोप से डिप्लॉय होता है, वो रैंप पे लगे और वो रोप से आप उसे लोअर करोगे, तो हम सब कंसर्न थे कि ये टेढ़ा है, इज इट बैड, कुछ प्रॉब्लम है, क्या वो परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि टिल्ट करेक्शन था फाइन सेंसर में बट कितना था मुझे नहीं पता था। एनीवेज अभी पता नहीं, अभी नए लोकेशन से इमेज आया नहीं है, तो अभी नए लोकेशन पे इल्सा फ्लैट होगा या क्या होगा क्या पता। ये जैसे मैंने वीडियो में कहा था एक मैप्स बेस्ड सेंसर है, और इसने पहले तो रोवर डिप्लॉयमेंट का तो नोटिस किया ही, रोवर डिप्लॉयमेंट का जो भी, ये एक अच्छा वे था इसरो को पैसिवली ऑब्जर्व करना अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, क्योंकि देखो रोवर डिप्लॉयमेंट का ठीक है उनके पास कैमरा है, बट चास्टे के लिए, चास्टे ऑब्जर्व करने कोई कैमरा नहीं है, बट चास्टे जब पेनिट्रेट कर रहा है तभी वाइब्रेशंस करने लगेगा पूरे लैंडर में, तो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इल्सा के थ्रू कुछ हो रहा है कि नहीं। सेम टू एन एक्सटेंट गोज फॉर रामबा, रामबा का जो एक्सटेंडिंग बूम है बट वो शेडो के थ्रू उन्हें पता चल जाएगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग यूज केस था इल्सा का एक्टिविटी देखने के लिए लैंडर के ऊपर। प्लस उन्होंने एक नेचुरल इवेंट ऑब्जर्व किया, ये जो एक्सेलरेशन है ये लिटरली मतलब वाइब्रेशन है मतलब ग्राउंड का, बट उन्होंने ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन का मतलब ढंग से डेटा दिया नहीं राइट, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो में बोला था 6 टोटल एक्सेलरोमीटर्स है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस का है क्या या पूरा एवरेज आउट वैल्यू है नॉट, बट हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है, आई होप अगेन सर्वाइव करे ताकि हमें मल्टीपल ईयर्स ऑफ ऐसे साइज्मोमीटर डेटा मिले मूनक्विक्स का। इसरो ने ये इमेज भी रिलीज किया, अगर आपके पास वो रेड एंड ग्रीन ग्लासेस है तो शायद आप ये 3D में देख पाओ, क्योंकि प्रज्ञान का जो कैमरा है वो स्टीरियोस्कोपिक है राइट, एक लेफ्ट और राइट में डिफरेंस है उन दोनों में, तो अगर आपके पास है तो ये इमेज देख लो। बाय।